जनविश्वास यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। नितिन गडकरी इसी रथ पर सवार होकर जनविश्वास यात्रा करेंगे और सिर्फ बिजनौर ही नहीं बल्कि अलग अलग 6 शहरों में यह रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी रथ पर सवार होकर के नितिन गडकरी और दूसरे जो तमाम नेता हैं वो आगे की तरफ जाएंगे। अलग अलग विधानसभा चुनाव में लोगों से जुड़ने का कार्यक्रम है जनविश्वास यात्रा, और इसके जरिए न केवल वोटरों का मूड पता चलेगा बल्कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको लेकर वोटर क्या सोचते हैं, सरकार का कितना विश्वास वोटरों के दिमाग में है, बस इसी को नापने का थर्मामीटर है ये जनविश्वास यात्रा, जिसे बहुत ही हाईटेक बनाया गया है। और आमतौर पर आप देखिए कि लोग किस तरह से यहाँ पर जुटे हुए हैं और अलग अलग आयु वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मंच को सजाया गया है और सबसे खास बात यही है कि महिलाओं की भी भागीदारी यहाँ पर है, खासकर मुस्लिम महिलाएं। बिजनौर में तकरीबन 50% आबादी मुसलमानों की है और वो महिलाएं 3 तलाक और अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर सुनने आई हैं कि क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दूसरी तरफ नगाड़े के साथ आप देखिए कि बाकायदा इसको यहाँ पर आगे की तरफ जो भावी प्रत्याशी हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें आने वाले दिनों में टिकट मिले, वो अपने अपने तौर पर इसे भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ रामकिंकर सिंह, बिजनौर, आज तक।